अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले मैं उस एक भाई से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं जिनकी रिक्वेस्ट आज मैं इस वीडियो में पूरा नहीं कर सका। देखिए, आप सबको मालूम है कि बंटी बाउंसर को हमारे हैदराबाद के माननीय ऑनरेबल नवाब फैमिली ने कूट कूट के मारा, ऐसी खबर हमको सामने आई, हमको मिली है, जो सब ग्रुप में भी फैल रहा है। तो मेरे ये भाई ने, जिसका रिक्वेस्ट मैं पूरा नहीं कर सका, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया, भाई आपके ग्रुप, आपके वीडियो, ये वाले वीडियो का टाइटल रखो, नवाब जादों ने हराम जादों की हड्डी तोड़ दी। तो मैं वो नहीं कर सका ड्यू टू यूट्यूब रीजंस। तो वो जो भी है, फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि नवाबजादों ने, वहां के ऑनरेबल फैमिली, जो नवाब फैमिली है हैदराबाद के, उनके कुछ लोगों ने हरामजादों के, सॉरी, ये बंटी बाउंसर और हीरा ग्रुप के एम्प्लॉयड सभी बाउंसर को बहुत मारा। सारे बाउंसर्स भाग गए, एक बंटी बाउंसर जो है, जो ज्यादा बाउंस कर रहा था, उसको इन्होंने पकड़ा और उसकी हड्डी तोड़ दी। 15 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में था। उसके डॉक्यूमेंटेशंस हमारे पास आए हैं। चांद भाई के जरिए ये न्यूज हमको मालूम पड़ा और आगे भी चांद भाई और उनकी टीम का जो है तफ्तीश चालू है, जिसकी वजह से और भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल मैं आपको पहले आजाद मैदान का क्विक बता देता हूं कि 15 फरवरी को 12 बजे आजाद मैदान में सौद पौने, जो आप सब लोग जानते हो सौद पौने को, और हमारे इमरान अली भाई, क्योंकि मेरे साथ अच्छे रिलेशन में है इसलिए वो भाई, साउथ पौने तो पौने अकेला काफी है, उनकी मीटिंग है। और चांद भाई ने कल की वीडियो में कहा कि जाना चाहिए, मैं भी कहता हूं कि जाना चाहिए, जिसको जाना है जाओ, मैं दूर हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जिसको जाना है जाओ। बहुत अच्छा काम हो रहा है वहां पर, 2 मेजर काम हो रहे जो मैंने ग्रुप में बताया, यहां पर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये बाउंसर जो बंटी, जो इतना बाउंस करता था, हमारे नवाब फैमिली ने उनको क्यों धोया, फुटबॉल बनाया, खर्चा पानी दिया, जबकि खर्चा पानी तो हीरा को देना चाहिए, लेकिन नवाब फैमिली ने मुंबई भाषा में देखा जाए तो बंटी बाउंसर और उसके साथियों को खर्चा पानी देके वहां से तोड़ दिया, हड्डी तोड़ा 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में आराम से सुकून से बैठने को कहा तो बैठ गया। हुआ क्या है कि ये जो जमीन है नवाब फैमिली के क्लेम के हिसाब से, ये जमीन उनकी पुरखों की जमीन है, जन्म जन्म से उनकी जमीन है। जैसे आप सब जानते हो कि हैदराबाद की ज्यादातर की जमीन उनकी ही है। तो उन्होंने क्या वाला कहा कि हमारी जमीन है मिलोट। कोर्ट में गए, जब मालूम पड़ा कि नौहेरा शेख ने किसी एक आदमी, कोई दूसरा, कोई पार्टी है अलता भलता, उनसे खरीदा बोल के नौहेरा शेख ने डॉक्यूमेंट बना दिया। तो नवाब बोले ये हमने बेचा ही नहीं उस भलते को, तो तुम कैसे खरीदे। ऐसा करके उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला, हैदराबाद हाईकोर्ट में, नवाब फैमिली ने, जो टोली चौकी की जमीन, जो मसला हम जानते ना पूरा, इसका मसला एक बार आपको बता देता हूं। तो भाई ये हमारी जमीन तो है और ये आप लोगों ने किस हिसाब से एग्रीमेंट बना के इसको रजिस्टर कर दिया, और रजिस्टर को चैलेंज कर दिया उन लोग ने। तो नौहेरा शेख ने जिससे खरीदी वो फ्रॉड निकला और वो भाग गया, और ये सोच रही है नौहेरा शेख की ये जमीन मेरी है ये हिसाब से, क्योंकि रजिस्टर हो गया गलती से। नवाब फैमिली ने अपोज किया, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने उनको एक डिक्री दे दिया, एक अथॉरिटी लेटर दे दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारी यह जमीन, ये हीरा ग्रुप की नहीं है, नौहेरा शेख की नहीं है, ये आपकी ही जमीन है, आपके अपने सब डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए। तो नवाब फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए, प्यार से, बड़े प्यार से हीरा ग्रुप को समझाते रहे आज तक कि ये तुम्हारे जो बाउंसर्स बाउंस कर रहे हैं हमारी जमीन के ऊपर, इनको हटाओ। लेकिन बाउंसर बाय फितरतन बाउंस करते हैं, इसीलिए वो लोग वो जमीन पे बाउंस करते रहे इतने टाइम तक। एक बार एक नवाब फैमिली के साहब ने जाके वहां पे उनको समझाया, भाई तुमको लास्ट चांस दे रहे, हमारे पास कोर्ट की डिक्री है, यहां से निकलो, शराफत से बोला। बाउंसर फितरतन, क्योंकि वो बाउंस करता रहता है, वो उधर ही बाउंस करता रहा नौहेरा शेख के कहने पर। और उसके बावजूद भी ये आप मत समझिए कि जो माननीय ऑनरेबल इज्जतदार फैमिली, नवाब फैमिली के लोग हैं, वो जाके उधर बेकार का लफड़ा करे, बिल्कुल नहीं। नौहेरा शेख का कोई तो वकील है, वो बाउंसर के ऑफिस, सॉरी, नवाब फैमिली के ऑफिस में जाए कि आप हमारे लोगों को क्यों परेशान करते, और वहां पे 3-4-5-6 बाउंसर्स भी खड़े कर दिए पीछे, ये सोच के कि भैया नवाब फैमिली को वो डरा देंगे। नवाब फैमिली आपको मालूम है कितनी बड़ी फैमिली, कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा सपोर्ट है। तो
ये वहां पे गए और बाउंसर लोग वहां पे जाके पटेली करने लगे, पटेली हिंदुस्तानी इंडिया मुंबई वाली भाषा में पटेली, कि हम शाणे हम बाउंसर है सब तोड़ताड़ डालेंगे। ये चार जन थे वहां पे, नवाब फैमिली थी अपने ऑफिस में, उनके ऑफिस में बैठे थे। तो भाई नवाब लोग आखिर कैसा तुम बोले, हाँ हैदराबाद में रह के मगर मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से तुम उंगली करने की कोशिश करेंगे तो खा जाता करके वैसा हिसाब किताब नवाब फैमिली ने बता दिया। उठ के आके सारे बाउंसर्स लोग को धोना चालू कर दिए, खर्चा पानी दिए, हड्डी तोड़ दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हड्डी तोड़ दिए और बोले दोबारा यहां पे नहीं आना। पुलिस भी आई थी उस वक्त, ये लोग या पुलिस के स्टेशन गए, कुछ हुआ ऐसा, वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन पुलिस ने भी वो सारे बाउंसर्स लोग को पुलिस स्टेशन के अंदर उनकी अच्छा खातिरदारी किया और ज्यादा हड्डी नहीं तोड़े लेकिन खातिरदारी किया। पुलिस ने भी खर्चा पानी दी, जबकि हमारा मानना है खर्चा पानी सिर्फ हीरा ग्रुप को देना चाहिए। तो ये बाउंसर कौन है मैं आपको बता देता हूं। हम पहली बात तो बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारे नवाब फैमिली का, जिन्होंने ये हमारे यानी सपनों को साकार किया, ऐसे बाउंसर बाउंस होने वाले लोगों को आराम दिलाया हॉस्पिटल में 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि ये बंटी बाउंसर जो है, गोल बाउंसर जो सबसे ज्यादा बाउंस करता है ये पूरे ग्रुप में, ये कौन है, इसकी कंपनी का इंफॉर्मेशन भी चांद भाई निकाल रहे हैं और उसकी कंपनी को भी हम बताएंगे कि भाई हमारे तरफ कितना कुछ बात है कि तुम ये बाउंसर का जो हराम काम कर रहे हो, बाउंसर को लेके आके इन्वेस्टर को डराना, वो भी बात चांद भाई रेडी कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये बाउंसर हराम ये बाउंसर का बंटी बाउंसर का शक्ल दिखा देता हूं। उसका पेट देखो आप कितना गोल है, बाउंसर कहलाने के लायक नहीं है। उसका पिछवाड़ा मत देखो, पेट ही देखो, रुको ये देखिए, ये पेट है इसका बाउंसर का। अभी इसका शक्ल नहीं दिखेगा, अब उसका शक्ल आएगा। ये कुछ हीरा हराम ग्रुप के अंदर का मामला वाला फैमिली है और ये इस तरीके से खड़ा है। ये आपको वीडियो तो पता है कब निकाला, किसने निकाला, कहां निकाला, ये हमारे पास तो स्टोर्ड है सब कुछ, तो हमने निकाल के यहां पे डाल दिया। अब आपको ये गोल बंटी बाउंसर, इसके ऊपर और एक न्यूज है, ये हीरा ग्रुप के अंदर का एक स्टाफ के साथ इसका अफेयर का भी खबर ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ कि ये मोटे ने, मोटा है देखो, मोटा है तो मोटा बोलूंगा, मोटे ने वहां पे हीरा ग्रुप के अंदर के स्टाफ के साथ, अल्लाह अकबर, स्टाफ के साथ, हाँ मेरे को लगा मेरा आवाज बंद कर, स्टाफ के साथ अफेयर का चक्कर कर दिया। इतना हराम काम करिए हराम बाउंसर बंटी बाउंसर। या आप देखेंगे ये गोल ये आदमी अभी, यानी यहां पे इनके फैमिली का कोई मेंबर गया है मिलने के लिए और ये बाउंसर आके यहां पे हीरा का सबसे बड़ा मई सबसे ग्रेटेस्ट बाउंसर करके ये हरामखोर सॉरी ये बाउंसर यहां पे आके बोल रहा है। अब इसको मैं, मेरे दिल से ऑटोमेटिकली इसके ऊपर गाली क्यों निकलती है, देखो ये भाग रहा है, इसको भगा दिए डरा के, क्योंकि ये इसने ना जो है ना इन्वेस्टर को, जब इन्वेस्टर जाते थे ना हीरा के ऑफिस में अपना पैसा मांगने के लिए, तब ये हरामखोर बाउंसर जो है, अब हरामखोर ही है, हराम का खार है, तो ये बाउंसर जो है इसने हीरा के इन्वेस्टर्स लोग को वहां पे जलील किया। तो बहुत सारे हीरा के इन्वेस्टर्स जो है ग्रुप के अंदर ये कहा कि भाई हमको बहुत खुशी हुई है मार खाया, और वो लोग पता करने की कोशिश कर रहे हीरा के इन्वेस्टर्स कि नवाब फैमिली ने, ऑनरेबल नवाब फैमिली ने कितने हड्डी तोड़े। अगर 10 तोड़े तो वो बोलेंगे 12 तोड़ना चाहिए था, अगर 15 तोड़े तो बोलेंगे 17 तोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत जालिम जुल्म करने वाला बाउंसर है ये गोल बाउंसर। खैर ये आपने देख लिया। दूसरा इस तरह आएगा, ये देखो ये वही बाउंसर है, दूसरा ही वीडियो उस तरीके का, इसका वही पेट है और वही पिछवाड़े पे मत जाइए, जाने दीजिए मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। तो ये वही बाउंसर है जो इन्वेस्टर्स लोग को परेशान करके धक्का देके और लोगों को मारा, और मेरे ख्याल से मेरे को रख ही लेना चाहिए था कि नवाबजादों ने हरामजादों की हड्डी तोड़ दी, ये टाइटल बहुत सूट करता है, लेकिन यूट्यूब का जो ऐसा मामला है ना, वो लोग ये सब थोड़ा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने डिसेंट वाला टाइटल नीचे रखा। ये बाउंसर बहुत मार खाया, इसकी हड्डी टूट गई जनवरी 13 को, और हुआ क्या था, हीरा ग्रुप के कोई एक वकील वहां जाके नवाब फैमिली को समझाने की कोशिश करे कि भाई देखो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने डिमार्केशन करके, जो बोले ना मार्किंग करो, डिमार्केशन करके सबमिट किया, आप क्यों अपना क्लेम इसमें रखते हो, हट जाओ हट जाओ, कुछ बातें हो रही थी। तो नोहरा शेख के पिटीशन के हिसाब से जो हाईकोर्ट में गई कि पुलिस ने ज्यादा कार्रवाई नहीं करी, मिलोट ज्यादा हाफ मर्डर लगा उस पर, तो उसके लिए हाईकोर्ट का जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया उस हिसाब से नोहरा शेख का कहना है, ये बाउंसर का कहना है उसके पिटीशन में, उसके हाईकोर्ट के पिटीशन में, कि ये लोग ने वो जो सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो फेंक दिया, नवाब फैमिली ने फेंक दिया, और फेंक दिया तो उनको गुस्सा आया और उसके लिए उनको मारा। बात ऐसी नहीं है, हम पूरी इंक्वायरी करते हैं, हमारे जो जासूस और जो हमारे सूत्र और करीबी जराए जो है कोने कोने में फैले हुए हैं, नवाब फैमिली डिसेंट फैमिली, एकदम हैदराबाद में इज्जतदार फैमिली,
उन्होंने समझाने की कोशिश की, हमारे पास डिक्री है हाईकोर्ट का, आप हाईकोर्ट में लड़िए। लेकिन वो जो वकील और बाउंसर लोग है ना, तो तड़ी में गए थे, तड़ी बोले तो हम शाणे हैं, शाणे बाउंसर लोग देखते आप हमेशा शाणा बन के घूमते। तो शाणपति नवाब फैमिली ने जो है पूरा का पूरा निकाल दिया, निचोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 तीन बार बोलना पड़ता है आजकल ताकि असरदार हो। तो उन्होंने पूरा इसको है ना, जो इसका पेट गोल था मेरे ख्याल से अभी कम हो गया रहेगा, उन्होंने निचोड़ दिया है बाउंसर को, समझे एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बहुत सुकून मिला क्योंकि इसने बहुत सारे नॉन कंप्लेनेंट्स को भी ये हराम को ये बाउंसर ने जो है ये कर दिया, तकलीफ दिया जब वो लोग अपना पैसा मांगने के लिए जा रहे थे। ये देखिए ये हीरा का मसला है आपस का, लेकिन ये बीच में टपक के हीरा बाई को सॉरी नोहरा आपा को जो है आपा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं तुम्हारा सबसे फेवरेट बिग बाउंसर, फेवरेट बन के क्या किया, वापस से बोल रहा हूं, ऑफिस के अंदर एफेयर कर दिया। ये बाउंसर लोग होते, ये ऐसे लोग होते हराम काम करने वाले लोग। अब बोलोगे अभी इनके खिलाफ हम नहीं बोले तो क्या करें, इन्वेस्टर जो नॉन कंप्लेनेंट्स, कंप्लेनेंट नहीं गए, नॉन कंप्लेनेंट्स को धक्का मार मार के ऑफिस से निकालने वाला ये हरामखोर बाउंसर आज अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में 15 दिन हमारे माननीय नवाब फैमिली जो है हैदराबाद के, अल्लाह उनको और आला दर्जा दे और आला मुकाम दे और तरक्की दे दुनिया में, आखिरत में ऊंचा मकाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किए, ऐसा लोग बोल रहे, मैं भी ऐसे ही बोलता हूं, मेरे भी दिल से भी यही बात निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, डेट्स जो है हीरा ग्रुप के कोर्ट का वो दो चीज की वजह से डिले हो रहा है, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, दूसरा जो है हमारा जज चेंज हुआ है, तीसरा भी एक और एक फैक्टर है कि वो अंदर की जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपग्रेडिंग हो रही है। एक डेढ़ महीना समझो या फरवरी के एंड में या तो मार्च के बिगिनिंग में काम चालू है, ये एश्योरेंस मिला है चांद भाई के वकील से, मैंने भी बात किया है, तो एक डेढ़ महीने के अंदर वो ऑन आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये हीरा का जो है सिर्फ आंसरेबल लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस है। और फिर ये वीडियो फिर से मैं ये बोल के एंड करता हूं कि 15 अगस्त आजाद मैदान मुंबई में जो सौद पावने ने जो मीटिंग रखा है हमारे इमरान अली भाई के साथ, वो मीटिंग में आप जाएं, मैं नहीं आ सकता, चांद भाई नहीं आ सकते, नौमान भाई से रिक्वेस्ट है, उन लोग बहुत बोल रहे थे कम से कम आप नहीं आ सकते, चांद भाई नहीं आ सकते, नौमान भाई तो नजदीक है, उनको तो आने बोलो, हम उनको अपना लीडर बना के आगे रखना चाहते हैं, ऐसा सौद भाई का कहना है और इमरान भाई का भी कहना है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा नौमान भाई से कि आप जाओ, अच्छा रहेगा, ये लोगों के लिए काम का है, और नुमान भाई तो दोनों के लिए लड़ रहे हैं, कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट कैंडिडेट है वहां पे जाके दो काम करना, एक तो सारे के सारे नॉन कंप्लेनेंट्स की तरफ से फ्रेश कंप्लेंट FIR उसकी कोशिश, दूसरा ईडी के ऑफिस में लेटर जो कि हम तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, ईडी के ऑफिस में लेटर, फर्स्ट मीटिंग ईडी के ऑफिस के नीचे बहुत सारे लोग, ऊपर जाके सबमिशन, सेकेंड मीटिंग ईडी के नीचे जाके बहुत सारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट, और ऊपर जाके वापस हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये 9 अक्यूज्ड है ईडी के केस में हैदराबाद में, ये 9 अक्यूज्ड को तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, नॉन बिलेबल अरेस्ट वारंट निकला है, अगला तारीख ये ईडी का जो है मार्च को है, तो इनको अरेस्ट करो, इनको जरा वो कार्रवाई में लाओ, ये रिक्वेस्ट है हमारी ईडी से। और दूसरा डेल्टा टावर में ये लोग जो सेक्रेटरी और चेयरमैन को बेवकूफ बना के अटैच प्रॉपर्टी को खोला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 6 प्रॉपर्टी खोलने की इजाजत दी, हीरा ग्रुप ने सारे प्रॉपर्टीज को खोल के बैठ गए, बोले मैं सब कुछ हूं, ऐसा नहीं है। तो वो दूसरा भी हम वहां पे पूरा सबूत के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो नौमान भाई के जरिए, अगर नौमान भाई नहीं आए जो मैं चाहता हूं नौमान भाई जाए, नौमान भाई के जरिए लोग वहां पे जाए साथ में ईडी के ऑफिस के पास, और वहां पे प्यार मोहब्बत से उनको रिक्वेस्ट करेंगे सर प्लीज अरेस्ट, फर्स्ट मीटिंग हमारा ये दो मकसद पूरा करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, 15 अगस्त और 3 दिन बाकी है, आजाद मैदान 12 बजे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।